नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाऊंगी जिसकी बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम थी। आप सोच के सुन के हैरान हो जाएंगे, ये कहेंगे कि इतनी बड़ी बीमारी और न्यूरोथेरेपी में ठीक हो गई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इनसे पूछते हैं इनकी प्रॉब्लम। जब ये मेरे पास आए तो कुछ और बीमारी के लिए आए थे और एक अंदर से अलग से बीमारी निकल के सामने आई है और ये केवल और केवल न्यूरोथेरेपी ने किया है ये चमत्कार। की डायग्नोस तो करते ही थे, अंदर से इंटरनल टेस्ट भी कर दिया, यानी कि MRI भी हमारे सेंटर पे आके हुई है इनकी, कि भाई दिक्कत क्या थी। अब पूछो एक बार इनसे, ये जो मेरे पास आई इनकी क्या हालत थी, आप बताइए। जब आप मेरे पास आए तो क्या प्रॉब्लम लेके आई आपके पास? नमस्कार जी, पहले तो ये पहले जो आए तो पैर के दर्द को लेके आए थे हम। अभी टखनों के अंदर दर्द है, पूरे बॉडी पे स्वेलिंग आती थी और स्वेलिंग आते 5 वर्ष हो गए थे। पूरे एक एक वर्ष मैंने 2-3 जगह से दवाई भी खूब खिलाई, काफ़ी टेस्ट कराए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बावजूद यहाँ का पता मिला, डॉक्टर मीना कुमारी के पास आए और जो है इनसे थेरेपी ली, तो इन्होंने जो है ट्रीटमेंट किया, उसी से ठीक हुए हैं। बीच में पता लगा कि भाई इनको पैनक्रेस सिंड्रोम हो चुका है, ये कोरोना की वजह से। मैंने जो है कैंसर हॉस्पिटल में टेस्ट कराया इनका, तो उसमें जो है गांठें थी मोटी मोटी और ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन अब जो है ना थेरेपी के माध्यम से ही बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। और अब जो है हम छुट्टी कर रहे थे इसलिए आपको बता रहे हैं जी, और आपने भी अच्छा लगा, यहाँ का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, पहले आओ दिखाओ और दवाई की लेने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, यहाँ बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे आप। जब आप मेरे पास आए थे तो इनको ये जो इनका ये दौरे पड़ते थे, वो दौरे क्या घर में भी पड़ा? नहीं, वो नहीं पड़ते थे, वो आपने जब पैर का दर्द निकालना शुरू किया तब पड़ने शुरू हुए हैं, तो उसके बाद ही। यहाँ एक घंटे की थेरेपी में ये कितने बार बेहोश हुआ करते? कम से कम 10 बार। कम से कम 10 बार बेहोश हो जाती थी, उसके बाद होश में लाते थे, फिर ट्रीटमेंट चालू करते थे। अब जो है कि एक बार भी बेहोश नहीं होती। तो देखिए, मैं आपको इनकी पहले वाली कंडीशन भी दिखाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से ही, और अब ये बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा सा है मेरे हिसाब से, अब भी है इनको 10-15% दिक्कत, लेकिन वो हम वीकेंड पे बुलाते रहेंगे और बीच बीच में ठीक कर देंगे, एक्सरसाइज के माध्यम से क्योर हो जाएंगी। बाकी पहले में और अब में तो दिन रात का फ़र्क है, और इनको नहीं पता था कि इनको पैनक्रोस सिंड्रोम है। जब ये मेरे पास आए तो एड्डी में दर्द था, जैसे ही हमने एड्डी के दर्द को निकालने के लिए कुछ न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स दिए तो इनके ब्रेन पे जाके सीधा असर हुआ उस चीज़ का, और इनको बहुत ज़बरदस्त फिट्स आए। यहाँ पर एक घंटे की थेरेपी के बीच में कम से कम भी 10 से 12 बार ये बेहोश हो जाया करते थे, और उस बेहोशी को तोड़ने के लिए भी हमने न्यूरोथेरेपी के 6 मेडुला का यूज़ किया, और यहाँ नोज़ के नीचे वाली जो बोन होती है इसको हमने 30 सेकंड के लिए प्रेस किया तो इनकी बेहोशी छूट जाया करती। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप घर में इंस्टेंट अपना किसी पेशेंट के साथ अगर ऐसा हो जाए, फिट्स आए, एपिलेप्सी के दौरे पड़े, तो नाक के नीचे की हड्डी को यूं प्रेस करके और ऊपर की तरफ खींच दो 30 सेकंड के लिए, तुरंत होश में आ जाएगा पेशेंट। तो इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि भाई हर बीमारी का इलाज है हमारी न्यूरोथेरेपी में, ये केवल नर्व पे काम नहीं करती, आपके हर सिस्टम को ठीक करती है। तो इनका मतलब एक पैनक्रोस सिंड्रोम आप सर्च कर लेना, गूगल पे स्टडी कर लेना, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी थी और हमने इनका ट्रीटमेंट चला तो थोड़ा लंबा, कम से कम भी 3-4 महीने की इन्होंने थेरेपी ली, पर बिल्कुल ठीक हो गए, ये भी बहुत बड़ी बात है बिना किसी मेडिसिन के। तो आप इन वीडियो के माध्यम से अपने रिलेटिव को भी एक इस चीज़ का फ़ायदा दो कि भाई एक रोहतक में आपके नज़दीक बिल्कुल सेंटर बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ जाना है जहाँ पे आपका पैसे भी ना दुखें और रिजल्ट भी लेके आओ। तो हमारे सेंटर की विजिट करो और अपने रिलेटिव के पास भी मैसेज भेजो और ये वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।